i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 38 and we are going to talk about mindfulness attention and cognitive control when we talk about mindfulness attention and cognitive control we have to be very much careful that our conscious mind working has to be triggered so that we are better able to understand the situation we are better able to come up with our creativity and innovation in the mindfulness training and in the mindfulness context remember we have to maintain our certain level of attention we have to maintain our certain level of focus and that attention and focus is basically the quality is the quality of the mindfulness so mindfulness thinking is basically triggering our focus on the particular phenomena so that हम ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस वो कर सकें और हमारा डिसीजन मेकिंग ज्यादा ऑप्टिमम हो नंबर टू दैट देर इज अ लिंक बिटवीन इन एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन बींग इंसान के अपने मन में क्या हो रहा है उसके जहन में क्या चल रहा है और उसके गिरदोनवा में जो कुछ हो रहा है इन दोनों चीज़ों के दरम्यान इन दोनों चीज़ों के माबेन एक ताल्लुक है और वो ताल्लुक बेसिकली इस बात को डिटरमिन करता है कि हमारे सोच के पैटर्न्स, हमारे रिएक्शंस वो किस सिचुएशन में कैसे होंगे माइंडफुलनेस ट्रेनिंग माइंडफुलनेस जो है वह हमें इस बात पर आमादा करती है कि हम उस सिचुएशन के अंदर अपनी इनर मद्देनजर रखते हुए और आउटर एस्पेक्ट्स को भी मद्देनजर रखते हुए पॉजिटिविटी को मद्देनजर रखें और हम अपनी थिंकिंग को ज्यादा फोकस्ड एस्टैब्लिश वो कर सकें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अपने जहन के अंदर जो थॉट्स चल रही हैं वो प्लूट कर दें हमारे सिचुएशन के एनालिसिस को या हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में होने वाले जो इश्यूज हैं उनको इग्नोर कर पाए बिकॉज हमारा जो इनर माइंड है दैट इज प्री ऑक्यूपाइड द थर्ड इंपॉर्टेंट फिनमिना जब हम अटेंशन एंड माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव टू सी कि हमारा माजी वो कैसा रहा हमारे साइकोडायनामिक डेवलपमेंट वो कैसी रही और उस साइकोडायनामिक डेवलपमेंट में हमने कहां कहां पर क्या क्या एक्सपीरियंसिस किए हमारे लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स क्या थे जो ओवरऑल हमारी सोच को वो डेवलप कर पा रहे हैं द फोर्थ इंपॉर्टेंट फिनमिना जो हमें माइंडफुलनेस एंड अटेंशन में जहन में रखना है एंड दैट इज अटेंशन इज लिंक्ड विद जजमेंट करेक्टर एंड वेल सो नो डाउट जैसा भी हमने पहले कहा कि ये इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड को रिलेट करती है बिल्कुल इसी तरह हमारी जो अटेंशन एंड माइंडफुलनेस है वो हमारी जजमेंट को वो हमारे करेक्टर को वो हमारी विल पावर को हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को भी इफेक्ट करती है सो so, हमें बहुत केयरफुल होकर चलना होगा कि हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ डीपर एनालिसिस वो कैसे कर पाएं? हम अपने माइंडफुलनेस को किस तरह बरुएकार लाएं ताकि हमारी जो माइंडलेसनेस और ऑटोमेटेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरकम हो सकें देअर फोर वेन वी टॉक अबाउट माइंडफुलनेस अटेंशन रिमेंबर कि हमारी जो अटेंशन है इट हैज टू बी फोकस्ड एंड वेन देर इज फोकस्ड अटेंशन तो हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की तरफ डेवलप कर पाते हैं वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हमें बेहतरीन रिजल्ट देती है सेकेंडली हम एरर फ्री वर्किंग की तरफ मूव कर पाते हैं हम गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं हम डूइंग द राइट थिंग्स की तरफ जा सकते हैं हम अपनी इफेक्टिवनेस को ब्रुएकार ला सकते हैं इसके बरक्स हमारी जो माइंडफुलनेस है दैट कैन ऑल्सो टॉक अबाउट स्केटर्ड अटेंशन और स्कैटर्ड अटेंशन के तौर पर नो डाउट एफिशिएंसी ऑफ़ डाउटी माइंडफुलनेस प्रोसेस वुड बी डिक्रीज और ऑब्वियसली स्कैटर्ड अटेंशन के तौर पर हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल से स्लोअर की तरफ चली जाएगी हम उतने बेहतर नतज हासिल नहीं कर पाएंगे एंड विल बी प्रोन टू मोर एरर्स और जब हम ज्यादा एरर्स कमिट करेंगे तो ऑब्वियसली उससे हमारे रिजल्ट्स डिजायरेबल नहीं हो पाएंगे so अब ये हमारे पास मुवाजना है कि हमें अटेंशन से अपने की तरफ वो आना है फर्स्ट वन इज दैट वी शुड बी एबल टू कंट्रोल अवर कोग्नेटिव एस्पेक्ट्स वी शुड बी एबल टू कम के जिसके तहत हम अपने Thought processes को वो कंट्रोल कर सकें हम अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर सकें और हम उन चीज़ों को बुरू कर ला सकें जो वक्त की ज़रूरत हो द सेकेंड थिंग इज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इमोशन रेगुलेशन और उस इमोशन रेगुलेशन में हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस का अमल दखल है वो यकीन बहुत ज़्यादा होगा We have to have self awareness, we have to have self regulation, we have to have empathy, we have to have motivation। तो ये तमाम चीज़ें हमें self regulate करने में वो मदद देंगी कि हम हर सिचुएशन के मुताबिक कैसे बेहतर रिस्पॉन्ड वो कर सकते हैं इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस एंड अटेंशन के लिए द थर्ड थिंग वी वी रिक्वायर द थर्ड थिंग हैव टू फोकस अपॉन इज बेसिकली दैट वी शुड बी एबल टू डील विद द हाई स्ट्रेस कंडीशन कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो डिस्ट्रेस पे जाने की बजाय यू स्ट्रेस की तरफ वो डेवलप कर पाए और जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएं कि कहीं स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन में कन्वर्ट ना हो जाए तो उस वक्त हम अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से वो दे पाते हैं अगर हम सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए वी नीड टू हैव फोकस्ड अटेंशन और उस फोकस्ड अटेंशन से हम ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल वो कर पाएंगे थैंक यू